संगम किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो? सर HPPSC इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा तुम्हारे स्नैप पास? सर, पावर सिस्टम। तो बताओ व्हाई वी स्टडी पावर सिस्टम? सर, पावर सिस्टम को स्टडी किया जाता है टू बिकॉज वी व्हेन वी ट्रांसमिट पावर, तो उसमें तीन फेजेस होते हैं सर, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। सो किस तरीके से हम जनरेट करेंगे, देन वी विल ट्रांसमिट, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्ट्रीब्यूट। एंड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जो भी फॉल्ट्स वगैरह होते हैं उसमें फिर हम सर रिले, सर्किट ब्रेकर्स एंड स्विच गियर के बारे में पढ़ते हैं टू अवॉइड फॉल्ट्स एनी काइंड ऑफ। सो फॉर द फ्रूटफुल पावर जनरेशन एंड फ्रूटफुल पावर ट्रांसफर वी स्टडी पावर सिस्टम। अच्छा एक चीज बताओ, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से टाइप के ट्रांसफार्मर यूज यूज किए जाते हैं? सर ट्रांसमिशन में हम पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड यूजिंग दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर? यस सर। सर पावर ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड फॉर स्टेप अप एप्लीकेशंस इन केस ऑफ, फॉर एग्जांपल, पावर स्टेशन आर पावर ट्रांसफार्मर्स आर कनेक्टेड एट द जनरेटिंग साइड। सो हाई वोल्टेजेस पे सर ट्रांसमिट हम करते हैं, फॉर एग्जांपल इन केस लाइक 400 kV और 765 kV। एंड इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड एट द कंज्यूमर टर्मिनल एंड दे आर यूज्ड फॉर स्टेप डाउन एप्लीकेशन लाइक 1.1 kV और 33 kV। इन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में सर हम 400 वोल्ट, 230 वोल्ट फेज में हम स्टेप डाउन करते हैं। ये तो ठीक है, पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यूज क्यों करते हैं? मेन रीजन क्या है इसके पीछे? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफॉर्मर सर। नहीं, व्हाट इज द बिग रीजन जी बिहाइंड हाँ, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एट अ लोअर वोल्टेज लेवल? ओके सर, द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज हाउस होल्ड पर्पसेस सर, जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स होते हैं दे आर मेड फॉर 230 वोल्ट फोर फेज वोल्टेज, सिंगल फेज के लिए सर। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो थ्री 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 लाइन फोर थ्री फेज, एंड हम न्यूट्रल भी यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। सेकंडली सर, जो लोड है वो दैट वेरीज अलॉट, सो वी यूज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फॉर 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ द लोड। 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ द लोड, यानी ये फुल लोड पे कभी ऑपरेट नहीं करती है? सर फॉर मिनिमम पावर लॉसेस हम इसको 70% टू 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ लोड पे ऑपरेट करते हैं, बिकॉज इन कंज्यूमर टर्मिनल्स द लोड वेरीज। ओके अच्छा, मान यस लेते हैं सर। अगर हम पावर ट्रांसफार्मर का यूज करें तो उससे क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? सब फर्स्ट ऑफ ऑल सर, पावर ट्रांसफार्मर की जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। सो जो लॉसेस होंगे दैट इज द कोर लॉसेस व्हिच विल बी वो ज्यादा होंगे इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर देन दैट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अच्छा सेकेंडली लॉसेस सर, भी, पावर ट्रांसफार्मर्स को हम डेल्ट ट्रांसफार्मर की जो लॉसेस होती है वो क्या लोडिंग पे डिपेंड होती है? यस सर, लोडिंग के ऊपर डिपेंड करती है सर। कौन से टाइप की लोडिंग में ज्यादा लॉसेस होते हैं, लैगिंग या लीडिंग? सर लैगिंग में आई गेस ज्यादा लॉसेस होते हैं। क्यों? सर लाइक फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर पीसीयू इज इक्वल टू पीआई होता है, तो लाइक सर लैगिंग के केस में क्या होता है कि सर रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। सो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी पी इज इक्वल टू ईवी अपॉन एक्स साइन डेल्टा, सो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी रिड्यूसेस और उसकी वजह से सर लॉसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा पावर ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं व्हेन कंपेयर विद द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर? सर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करी जाती है। अच्छा इसके अलावा डिफरेंशियल, सर अच्छा यस सर, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन दोनों सेम होती है डिफरेंट होती है? सर मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज बेसिकली एन एडवांस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, और सर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में जो भी हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस होते हैं लाइक सीटी रेशो वगैरह और जो भी जैसे हार्मोनिक्स वगैरह का, वो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन में इज नॉट प्रेजेंट। सो एडवांस फॉर्म है सर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की। अच्छा हम कंपेयर करें पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को फॉर द सेम रेटिंग, विच यस सर। ट्रांसफार्मर हैज द बिगर साइज?
सर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का जो साइज होता है दैट इज मच बिगर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर फॉर द सेम केवी रेटिंग्स। ओके व्हाई? सो द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज कि वी नीड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द कोर लॉसेस। सो फॉर दैट रीजन वी नीड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी एंड फ्लक्स डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो वी नीड टू गुड। इंक्रीज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। सो फॉर दैट रीजन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो है वो साइज में बड़ा हो जाता है फॉर द सेम रेटिंग। ओके अच्छा, यस सर। इन केस सपोज इफ देयर इज अर्थ फॉल्ट इन केस यस ऑफ सर। ट्रांसफार्मर, देन व्हाट आर द प्रोटेक्शन दैट नीड टू बी देयर फॉर द आइसोलेशन ऑफ द अर्थ फॉर द आइसोलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इन केस ऑफ अर्थ फॉल्ट? सर रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन यूज की जाती है इन केस ऑफ व्हेन द अर्थ फॉल्ट अराइजेस। रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले तो हम जनरली ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। सॉरी सर मेरे को याद नहीं आ रहा है इसका आंसर। कितने टाइप की ग्राउंडिंग होती है ट्रांसफार्मर में? कौन सर थ्री टाइप्स होती है मेनली, कौन सी? सॉलिड ग्राउंडिंग, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग और रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मर में क्या हम रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग करते हैं? सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। Why there is a need for arrangement of a zigzag connection? सर जिगजैग कनेक्शन। ओके सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू, याद नहीं आ रहा है सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। अच्छा, अगर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, राइट? यस सर। एंड इफ वी डू द होल इन द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर एंड सेम वी आर रिपीटेड इन द केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, सो इन बोथ द यस सर। ट्रांसफार्मर व्हिच ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी शुड डिक्रीज? सर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में जो एफिशिएंसी होगी दैट विल डिक्रीज सर, क्यों? बिकॉज उस लाइक एयर गैप आ जाएगा तो उसकी वजह से सर लॉसेज जो होंगे दैट विल इंक्रीज। सो फॉर दैट रीजन एंड आल्सो इट इज नॉट ऑपरेटेड एट अ फुल लोड, सो वो भी एक रीजन होता है। एयर गैप होने से क्या ट्रांसफार्मर एडवांटेज कभी होता है किस सिचुएशन में? एयर गैप होने से सर याद नहीं आ रहा अभी तो। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास कोई ट्रांसफार्मर है, राइट? और एयर गैप होने से जो रिलक्टेंस है वो बढ़ जाती है, सो दैट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी। गुड। फ्लक्स डेंसिटी यस डिक्रीज होने सर। पे क्या होता है? सो फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, सो द वोल्टेज बिकॉज ई इज इक्वल टू 4.445 F, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि दैट विल डिक्रीज एंड साथ में सर लीकेज रिएक्टेंस लीकेज फ्लक्सेस भी बढ़ जाती है एंड फ्रिंजिंग भी होती है। फ्रिंजिंग क्या होती है? सर जिसमें लाइक इन एयर गैप द फ्लक्सेस जो है वो बाहर की तरफ बल्ज करती हैं आउटवर्ड्स, दैट दिस फिनोमेना इज नोन एज फ्रिंजिंग। इंस्टेंटेनियस करंट जो ट्रांसफार्मर ड्रॉ करती है फ्रॉम द सोर्स, यस सर। राइट? यस सर। सो इट इज हाउ मच टाइम बिगर व्हेन कंपेयर विद द नॉर्मल नॉर्मल करंट? और उस सर फिनोमेना को, इंस्टेंटेनियस हाँ, इंस्टेंटेनियस करंट। उस करंट को हम क्या बोलते हैं? सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द यस इनिशियल सर। करंट, यस सर। राइट? द ट्रांसफार्मर ड्रॉ सॉरी, द ट्रांसफार्मर ड्रॉ मोर देन द रेटेड करंट रिक्वायर्ड इन द यस नॉर्मल सर। कंडीशन, सो हाउ मच टाइम ऑफ द रेटेड करंट इट ड्रॉ फ्रॉम द सोर्स एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू दैट इंस्टेंटेनियस करंट एंड फॉर व्हाट पर्पस? सर ये तो याद नहीं आ रहा है सर अभी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल रिकलेक्ट। अच्छा, इंडक्शन मोटर में और ट्रांसफार्मर में यस ये सर। फिनोमेना इज द सेम? यस सर। इंडक्शन मोटर वर्क्स एज आर लाइक इट इज सिमिलर टू अ ट्रांसफार्मर विद सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड। ओके। यस सर। बट इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर एयर गैप इज प्रेजेंट विच इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके संगम, यस सर। योर स्नैप इज ओवर।
I'm giving you some feedback. Yes, sir. देखो, overall your performance is good. मैं कुछ point बताना चाह रहा हूँ. ये state transmission company है ना? हाँ जी, हाँ जी. HPSCPL. हाँ जी. तो इसमें जो question mostly आएंगे वो तुम्हारे transmission line से आएंगे और mostly transformer. Okay, sir. ये recording सुन लेना. ठीक ठीक. ठीक है. तो जो भी ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन कितने टाइप के होते हैं? जी. ठीक है. उसके बाद हाई, मीडियम, लो की अकॉर्डिंग हाइट का डिस्ट्रीब्यूट होती है और ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे. ठीक है. ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग में मैं घुसा नहीं है. आई वाज ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर. ठीक है. और इसके बाद अगर वो जाएंगे तो लोड फ्लो पे अगर जाएंगे तो बेसिक लोड फ्लो पूछेंगे. Thereafter, they will cover the current transformer and potential transformer. इनके यूजर कहाँ कहाँ पे स्पेसिफिक है. ओके सर. हाँ जी. ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या 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 चीजें प्रोवाइड करते हैं. ठीक है सर. सर, ये जो आपने पूछा था zigzag connection वाला, ये इसका क्या आंसर होगा? इसका zigzag connection वाला, जो zigzag connection, that why do we use zigzag connection? ट्रांसफार्मर के जितने भी कनेक्शन होते हैं, इट डिपेंड अपॉन द पोलैरिटी कि उस पोलैरिटी की अगर वहां रिक्वायरमेंट है, फेस शिफ्टिंग जो होती है. ठीक है. फेस शिफ्टिंग जो होती है, इसके अपार्ट अगर जिगजैग कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो कनेक्शन करने से फेस सीक्वेंस केवल डिफर करता है. पावर ट्रांसफरिंग कैपेबिलिटी इट इज द सेम, चाहे तुम कनेक्शन कुछ भी करो. तो डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट, जहां पर जिगजैग की कनेक्शन रिक्वायरमेंट होती है वहां पर जिगजैग करते हैं. ठीक है. ये कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं है कि कोई कनेक्शन कोई रिक्वायरमेंट करेंगे हम तो इससे मेरा जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज हायर. ये बस रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. अच्छा. और सर, आपने जो वो ग्राउंडिंग वाला पूछा था, ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग. ट्रांसफार्मर में क्या ग्राउंडिंग होती है? सॉलिड ग्राउंडिंग होती है. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, ठीक है. एक अर्थिंग होती है. ट्रांसफार्मर के आउटर जो बड़ी पार्ट है उसको हम ग्राउंड करते हैं ताकि जो हायर अमाउंट ऑफ वोल्टेज होते हैं एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग वो ग्राउंड में हो जाता है ताकि ट्रांसफार्मर मेरा प्रोटेक्ट हो सके. जिगजैग कनेक्शन में भी हम ग्राउंडिंग करते हैं. ओके सर. ठीक है. इसको प्रिपेयर. ओके विवेक. सॉरी. ओके संजय. मतलब ट्रांसफार्मर ज्यादा डिटेल में, बट ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन. ठीक. ओके सर. ठीक.